क्या देवेश बाबू ने कभी विधान परिषद में खड़ा होकर कहा कि हमारे बच्चों को सेशन लेट की समस्या है? एक भी समस्या के लिए अगर वो सदन में खड़े हुए होंगे तो आप जो कहिएगा जीवन में मानने को तैयार है। फिर हम क्यों चुनेंगे जनप्रतिनिधि ऐसा जो हमारी जन समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखता ही नहीं है? नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विधि झा। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC उपचुनाव जो है वो होने हैं, इसको लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो भी हो रहा है। और वही तिरहुत से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन जो है वो चुनावी मैदान है, और ऐसे में उन्होंने बताया है कि आखिरकार वहाँ से किसी निर्दलीय को क्यों जीतना चाहिए। आपको याद दिला दें तो सीट से देवेश चंद्र ठाकुर MLC थे और वो जब सांसद बने सीतामढ़ी से तब वो सीट जो है वो खाली हुई और वहाँ पर उपचुनाव होना है, और ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर भी राकेश रोशन जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप देखिए नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो घूमते थे क्योंकि उन्हें जो है वो मंत्री बनना था, सांसद बनना था, लेकिन कभी भी वो तिरहुत के लिए यानी कि तिरहुत का विकास कैसे हो इसके लिए उन्होंने बात की, आज तक संसद में उन्होंने एक भी अपनी बात जो है वो रखी है। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राकेश रोशन, सुनिए। जहां बिहार के विकास योजनाओं पे चर्चा होती है और कौन सी योजनाएं करनी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आप बताइए 22 वर्षों का शासनकाल में हमारे सारे अभियोग बैठे हैं, कभी आप तिरहुत के लिए चाहे किसी भी समस्या के लिए, आपके साथ घटना दुर्घटना घटी हो, आपके बच्चों को गोली मार दिया जाता है, अपराध की घटना घटी हो, आपके बच्चे को 6-6 साल में सेशन लेट की समस्या से जूझना पड़ता है, क्या देवेश बाबू ने कभी विधान परिषद में खड़ा होकर कहा कि हमारे बच्चों को सेशन लेट की समस्या है, 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए? एक भी समस्या के लिए अगर वो सदन में खड़े हुए होंगे तो आप जो कहिएगा जीवन में मानने को तैयार है। आज तक सदन में उनका एक वक्तव्य नहीं है, एक वक्तव्य नहीं, तो फिर हम क्यों चुनेंगे जनप्रतिनिधि ऐसा जो हमारी जन समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखता ही नहीं है? मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं कि हमको कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं हमको सांसद का टिकट दे दीजिए। जब हमारे जनप्रतिनिधि सांसद के टिकट के लिए परिक्रमा करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि मंत्री बनने के लिए परिक्रमा करेंगे, तो फिर हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छोड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनको बता देते हैं, उनको बताना जरूरी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने स्वर्णिम काल में है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्णिम काल में है और उसको उनको बनाने में जब अपना कंधा मजबूत कंधा लगाते हैं और जब आदमी पद पे पहुंच जाता है तो इंसान छोड़ता क्यों है? फायदे के लिए नहीं छोड़ता है। उनको बनाने में मेरा कंधा लगा, हमने अपनी जवानी लगाई, वो आगे बढ़े, उनको शुभकामना है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी तिरहुत को भी आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाए। हमारे लोग जो हम जिस जिला में पढ़े हैं लिखे हैं बड़े हैं, जिस तिरहुत में जन्म लिए हैं, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उस जवाबदेही के तहत हम 10 साल नहीं, हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल तिरहुत के लिए काम करें, आपके साथ बैठ के काम करें और स्वतंत्र रूप से करें, किसी दल के साथ नहीं करें। दल में जाने का मतलब क्या हो जाता है? जब आप चुनाव जीत के जाते हैं तो आपके दल की राजनीति के हिसाब से चलना पड़ता है। आप बता सोच के देखिए, जब तिरहुत की बात होगी हम किसी दल में रहेंगे तो दल हमको तुरंत निकाल देगा। कोई भी दल बिहार की बात करता है, लेकिन विकास का क्या करता है? जहां उसका गढ़ है, वोट की राजनीति है। अगर बात करिए संजय झा जी की, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने विकास कहां किया? दरभंगा का किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन विकास के दौर में देखिए नालंदा राजगीर और गया से हम कहां पीछे छूट गए। जब बात करिएगा विकास की तो कहीं ना कहीं लोग अपने गढ़ को बनाते हैं, अपने किला को मजबूत करते हैं। इससे लोग कहते हैं कि जब हम अपना जगह एक जगह काम करके जाएंगे तो आने वाला जनरेशन हमको याद रखेगा। तो हम भी इस लालच में है कि हम तिरहुत के लिए काम करें और आने वाले 100 साल तक मेरा भी नाम हो कि तिरहुत में हमने काम किया। तो आपने सुना कि राकेश रोशन किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर और वही देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितने दिन तक वो सत्ता में रहे, लेकिन क्या हुआ, क्या उन्होंने तिरहुत के बारे में कभी सोचा, यहाँ के छात्र जो परेशान हैं, उनका सेशन जो लेट चल रहा है उसके बारे में अपनी बात रखी नहीं की, और वही संसद भी जब पहुंचे हैं तो भी सांसद भी बने हैं तो भी वो कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं, एक भी बात एक भी मुद्दा वो रखते हुए नहीं नजर आए हैं। और ऐसे में राकेश रोशन ने बताया है कि आखिरकार तिरहुत जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वहां से जो चुनाव होने हैं, MLC के उपचुनाव होने हैं, वहां से आखिर कोई निर्दलीय क्यों जीतना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।